हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। एमसीएम और एचसीएफ का एमसीक्यू सीरीज में लेक्चर भी रहने वाला। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का रहा लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय। लीस्ट नंबर निकालना हो सिंपल लीस्ट नंबर तो एन की वैल्यू 1, लेकिन आगे डिवाइडेड बाय 4, 5, 6 लीव द रिमाइंडर 3, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स नो रिमाइंडर। मतलब एक कंडीशन दी हुई है और एक नंबर का फार्मूला क्या होता है, नंबर का फार्मूला होता है एलसीएम इनटू एन प्लस रिमाइंडर। और कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन दी हुई है कि ये जो नंबर है ये फुली डिवाइड हो जाता है किससे, 9 से। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट तो हम 9 एलसीएम ही निकालना है। एलसीएम किसका निकालना है, 4, 5, 6 और 8 का। 8 के टेबल को चेक करते हैं और 5 से पता चला लास्ट में 0 जब 5 हो सकता है, लेकिन 5 8 के टेबल में आता ही नहीं है कहीं पे लास्ट डिजिट कभी, तो 5 नहीं हो सकता, 0 ही चेक करते हैं। 8 5 का 40, 4 के टेबल में आ जाता है, 5 में आ जाता है लेकिन 6 में नहीं आता। 8 10 का 80, 4 में आ जाता है, 5 में आ जाता है, 6 में नहीं आता। नेक्स्ट 120, 8 15 का 120 आ गया, 40 40 का डिफरेंस ले रहे हैं। 4 के टेबल में भी आ जाता है, 5 में भी आ जाता है, 6 में भी, 8 में भी, तो एलसीएम आ गया 120। अब कंडीशन को चेक करते हैं हम, कंडीशन 120 इनटू n प्लस रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, 3 और डिवाइडेड बाय 9। यहां पे ये हम कंडीशन से क्या करते हैं, n की वैल्यू निकालते हैं, n की वैल्यू। तो 9 से डिवाइड करते हैं इस 120 को, 9 1 जा 9, कितना बच गया, 3 30, 9 3 जा 27, रिमाइंडर कितना है 3। ये जो रिमाइंडर है ना ये लिखते हैं 3 इंटू एन प्लस 3 डिवाइडेड बाय, तो अब n से डिवाइड होना चाहिए, n की वैल्यू पहले भरते हैं हम, 9 से डिवाइड होना चाहिए, n की वैल्यू 1 भरते हैं, 3 इंटू 1 कितना होगा, 3 प्लस 3 6, 6 9 से डिवाइड नहीं होता। n की वैल्यू 2, 3 इंटू 2 6 प्लस 3 9, 9 बाय 9 डिवाइड हो जाता है, तो यहां से n की वैल्यू निकलती है, n की वैल्यू होगी 2। तो अब हमारा नंबर क्या आ जाएगा, नंबर आएगा 120 इंटू n की वैल्यू 2 और रिमाइंडर 3, तो 120 इंटू 2 हुआ 240 प्लस 3 243, तो ये रहा हमारा आंसर ए पार्ट। पिछले क्वेश्चन में हमने लीस्ट पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर जिसको डिवाइड करते हैं 16 24 30 या 36 से, सेम रिमाइंडर आता है 10 इन ईच केस। तो सबसे पहले हम लार्जेस्ट नंबर आपको पता होगा, जैसे लीस्ट नंबर में क्या करते हैं, 1 लिखते हैं और आगे जीरोस लिखते हैं, तो लार्जेस्ट नंबर में क्या होता है, 9s लिखते हैं। कितने बार लिखेंगे, 5 बार, क्योंकि 5 डिजिट है ये लार्जेस्ट नंबर है। दूसरा डिवाइडेड बाय दीस, एलसीएम निकालेंगे 16 24 30 और 36 का। तो 36 के टेबल में 30 से मुझे पता चल गया लास्ट में 0 आना चाहिए, 36 5 जो होता है 180। चेक करो 16 के टेबल में 16 1 जा 16, 2 बचा नहीं डिवाइड होता, 180 नहीं हो सकता, 360 16 2 जा 32 और 4 नहीं आता, फिर 180 और प्लस करो 54 16 3 जा 48 6 आ गया, 16 5 जा ये भी नहीं आता, 16 5 जा 80 होता है ये भी नहीं। नेक्स्ट आ जाता है और प्लस कर दो 720, 720 16 4 जा 64 8 आ गया 80 हो जाता है, 24 3 जा 72 हो गया, 30 के टेबल में आ जाता है, 36 में तो आ ही नहीं, तो 720 इसका एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे हम, बिल्कुल सेम जैसे पहले करते थे, 999 को डिवाइड करेंगे 720 से, 720 1 जा तो क्या आ जाएगा 720, 9 से 7 आ गया यहां पे और 279 और एक और 9 आ गया, 720 4 जा 28 क्रॉस हो जाएगा 3 से, 30 जा 3 2 जा 6 3 7 जा 21 9 3 और 6 39। ये कहां तक पहुंच गया हम, कौन सा 0 निकाल दिया था हमने, ये वाला ले आया। अब एक और बात, 9 नीचे ले आओ 6 39 7 8 जा 7 9 जा 63 हो जाता है, 8 0 8 2 जा 16 8 7 जा 56 5 7 6 0 कितना आ जाएगा 9 3 यहां पे
और 63 में से 57, 639. 639 मतलब अगर हम इस नंबर में से 639 माइनस कर रहे तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 720 से. 9999 में से 639 माइनस कर दें तो ये क्या आ जाएगा, ये जो नंबर बनेगा 9 में से 90, 6 और 3 99360, ये एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे, 720 से. लेकिन आपको रिमाइंडर 10 चाहिए, 10 रिमाइंडर भी आना चाहिए, रिमाइंडर 10 आ सकता है अगर आप इसमें क्या ऐड कर दो 10, तो 99370 ये होगा हमारा आंसर. लेकिन फिर दोबारा से रिपीट करते हैं, तो लार्जेस्ट नंबर 9995 लिख दी, एलसीएम निकाला 720 से डिवाइड किया, डिवाइड करके जो रिमाइंडर आया अगर उतना माइनस, जैसे लीस्ट में अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो हम क्या करते थे, प्लस करते थे, क्योंकि अगर हम इसमें प्लस कर लेंगे कुछ तो ये सिक्स डिजिट चले जाएगा, यहां पे माइनस करेंगे वहां पे प्लस करते थे, माइनस करेंगे 639 ये 99360 जो है ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन आपको रिमाइंडर 10 भी चाहिए इसलिए 99370. और ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन हमारा बी वाला है. ये क्वेश्चन नंबर थर्ड रहा, एक नंबर एक्स जो डिवाइड हो जाता है 7 से, ये पहली कंडीशन, और जब इस नंबर को डिवाइड करते हैं 8, 12 या 16 से, ये रिमाइंडर देता है 3 इन ईच केस, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है, लीस्ट वैल्यू. ये ऑप्शन है 148, 149, 150 और 147. तो नंबर का क्या दिया हुआ है, नंबर किसके बराबर आ जाएगा आपको पता है, एलसीएम इनटू एन प्लस रिमाइंडर. और कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन दी है कि नंबर जो है ना ये डिवाइड हो जाता है किससे, 7 से, मतलब एलसीएम इनटू एन प्लस रिमाइंडर जो है ये 7 से डिवाइड हो जाए. तो सबसे पहला काम तो हम यही करते हैं, किसका, एलसीएम निकालते हैं. एलसीएम निकालना है 8, 12 और 16 का, 8, 12 और 16 का एलसीएम निकालना, तो क्या एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, 8, 12 ऐसे निकालो, 8, 12 और 16 का, तो 2 के साथ 4 आ गया और 6 और 8, दोबारा से 2 से 2, 3 और 4, यहां पे 2 से 1, 3 और 2, 2 से आ जाएगा 1, 3 और 1 और 3, तो क्या एलसीएम आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, ये इसका एलसीएम आ गया. एलसीएम आ गया ऐसे निकाला हमने क्योंकि यहां पे कोई भी मल्टीपल नहीं दिख रहा था, 48 एलसीएम आ गया. अब कंडीशन पे चलते हैं, कंडीशन क्या थी, 48 इंटू एन प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना, 3, और ये डिवाइड हो जाता है किससे, 7 से. यहां से हम कंडीशन निकालेंगे एन की वैल्यू, 7, 6 जा कितना होता है 42, और 6 रिमाइंडर रह गए 6 यहां पे लेंगे. अब हमारे पास कंडीशन आ गई 6 इंटू एन, रिमाइंडर लिखना होता है यहां पे जो है प्लस डिवाइडेड बाय 3, तो एन की क्या वैल्यू भरे, पहले एन की वैल्यू हम 1 भरते हैं, 6 1 जा 6 प्लस 3 9 आया, 9 7 से डिवाइड नहीं होता, 2 भरते हैं 6 2 जा 12 प्लस 3 15 आया, वो भी नहीं डिवाइड, 6 3 जा 18 प्लस 3 21 वो डिवाइड हो जाता है. तो यहां से एन की वैल्यू हमें दी गई क्या आई, एन 3. तो देयरफॉर नंबर किसके बराबर आ जाएगा, नंबर नंबर किसके बराबर आ जाएगा, एलसीएम कितना है 48 और एन की वैल्यू 3 और प्लस रिमाइंडर 3, 48 इंटू 3 करना, तो इसका शॉर्टकट करते हैं हम, 50 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन 48 है, 50 को 3 के साथ किया 150, दो ज्यादा लिए हमने, 2 इंटू 3 6 को माइनस कर दिया, तो 50 इंटू 3 हुआ 150, 150 में से 6 माइनस कर लिए 140, और जहां 48 को 3 के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया 144 आया, और प्लस उसमें 3 ऐड कर दो कितना आ गया 147, तो ये इसका ऑप्शन रहेगा बी पार्ट 147. लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13, 13 का मल्टीपल और डिवाइड होना चाहिए 4 5 6 7 और 8 से, और रियल रिमाइंडर 2, तो नंबर का क्या फार्मूला होता है, नंबर होता है एलसीएम इनटू एन और प्लस रिमाइंडर, और कंडीशन क्या दी हुई है कि ये जो नंबर है ये किससे डिवाइड हो जाता है, 13 से डिवाइड हो जाता है. तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं 4 5 6 7 और 8 का, 8 के टेबल में, लेकिन 5 से ये आ गया कि लास्ट में 0 जो 5 ही आ सकता है, और 5 8 के टेबल में नहीं आता, सिर्फ जीरोस वाले चेक कर ले, 40 40 किस में आ जाता है, 4 में आ जाता है, 5 में आ जाता है, 6 में आ जाता है, नहीं आता, नेक्स्ट आ जाता है 80,
फोर में आ जाता है, फाइव में, सिक्स में नहीं आता। नेक्स्ट आ जाता है 120, 120 फोर में आ जाता है, फाइव में आ जाता है, सिक्स में, सेवन में नहीं आता। तो सेवन के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 12 5 7 कितना हो जाएगा 840। 840 को चेक करो, 840 को चेक करो, 840 किसके टेबल में आ जाता है, फोर के टेबल में भी आ जाता है, फाइव में भी, सिक्स में भी, सिक्स वन जा सिक्स, टू बच गया 24 आ गया, सेवन के टेबल में, सेवन वन जा सेवन वो 14 हो गया, एट के टेबल में आ जाएगा। तो सबका ये आ गया एलसीएम 840। अब कंडीशन से चेक करते हैं हम, 840 इंटू एन प्लस रिमाइंडर कितना है 2, पर डिवाइड हो गया 13 से, 13 के टेबल में 13, 5 जा 65, 13 6 जा 78 हो जाता है, 13 6 जा 78 आ गया, 78 कितना बच गया 6, 0 60, 13 4 जा 52, तो कितना बच गया 8, 8 आ गया रिमाइंडर। कंडीशन बनी 8 इंटू एन प्लस 2 और डिवाइडेड बाय 13, 13 से डिवाइड होना चाहिए, तो n की वैल्यू कितनी लेंगे हम, n की वैल्यू अगर 1 रखें तो 10 आ जाएगा, 2 रखें 8 2 जा 16 और 2 18, 3 रखें, 3 रखें अगर n की वैल्यू 8 3 जा 24 और 2 26, तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 26 डिवाइड हो जाता है, n की वैल्यू आ गई 3, तो n 3 आ गया, तो नंबर में आ जाएगा 840 इंटू 3 प्लस 2, 840 इंटू 3 कितना आ जाएगा 0, 4 3 जा 12, 8 3 जा 24 और 25 प्लस 2 5 2 2, ये होगा हमारा आंसर सी का। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5। तीन नंबर्स जिनकी रेशियो दी हुई है 3:4:5 और एलसीएम दिया है 2400 और बोला है इसका एचसीएफ क्या। तो अब आपने ये देखना है प्रोडक्ट, एक फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ रेशियोस, रेशियोस का जो प्रोडक्ट होता है इनटू एचसीएफ होता है ना, वो एलसीएम के बराबर है। अब ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट सिंपल फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ रेशियोस इनटू एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम। एक फार्मूला ये भी है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, लेकिन अभी हमें प्रोडक्ट रेशियोज वाला है तो रेशियो में ही आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रेशियोज इनटू एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम, एचसीएफ निकालना है। तो रेशियोज कौन कौन सी है, 3:4:5 इंटू एचसीएफ इक्वल टू 2400, तो 3 4 12 12 5 60 आ गया इंटू एचसीएफ इक्वल टू 2400, 0 0 कैंसिल हो गया, 6 4 जा 24 और 0 40, तो एचसीएफ इसका क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन है ए पार्ट आ जाएगा 40। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द स्टडी।